क्वेश्चन नंबर चार है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i+3j और xi+yj समान। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान। इसमें करना क्या है, दोनों सदिश बराबर है, प्रश्नानुसार ये 2i+3j is equal to xi+yj। ठीक है, चाहो तो इसको इधर ले जाओ या डायरेक्ट कंपेरिजन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू होना चाहिए 2 तथा वाई इक्वल टू कितना होगा 3। एक नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन संख्या 5, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन नहीं है इसमें। प्रारंभ बिंदु अर्थात कुछ दिया है और शीर्ष दिया है, ठीक है। तो अगर हम कुछ और शीर्ष को, मान लो कुछ को हमने ए माना और शीर्ष को बी माना, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर हुआ 5i+5j-7j, ए का पोजीशन वेक्टर 2i+j। दो ही कोऑर्डिनेट्स है, के कैप नहीं आ रहा है, ठीक है, दो ही निर्देशांक एक्स और वाई। तो यहाँ से हो गया -7i और माइनस और प्लस 6j क्या। अब तुमको बताना है इस सदिश के अदिश घटक, इस सदिश के अदिश घटक, अदिश घटक वो क्या क्या हो गए, वो ये जो लिखा है कि अदिश घटक ही है, वो हो गया -7 और 6, ये अदिश घटक हो गया। और अदिश घटक ये हो गए और सदिश घटक वो क्या क्या हो जाएंगे, सदिश घटक एक्स अक्ष के अनुदिश होगा -7i व कितना 6j। तो अदिश घटक ये है और सदिश घटक ये है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, ये सभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े नहीं है, ये सब एक एक नंबर के। वेक्टर ए दिया है i+j+2k के अदिश एक मात्रक सदिश आपको दिया। मात्रक सदिश का मतलब है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका परिमाण एक। तो मात्रक सदिश की परिभाषा के अनुसार ए कैप बराबर होता है सदिश ए में सदिश ए के परिमाण के आंकिक मान से डिवाइड करते हैं। सदिश ए को जब हम सदिश ए के परिमाण के आंकिक मान से डिवाइड कर देंगे तो उसके अनुदिश आपको एकांक सदिश मिलता है। इसका मतलब ये हुआ ये i+j+2k और परिमाण का आंकिक मान होगा √i के गुणांक का वर्ग धन j के गुणांक का वर्ग धन k के गुणांक का वर्ग। ये आ गया 2×4 = 5 और 1 = 6 √6 i+j+2k। तो ये जो सदिश हुआ ये दिए गए सदिश की दिशा में मात्रक सदिश। आठवां क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से ही है, आपको पहले PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन, P
पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, बराबर होगा क्यू का पोजीशन वेक्टर, क्यू का स्थिति सदिश, क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश। ये हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, हेड का पोजीशन वेक्टर होगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस पी का पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। यहां से ही हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब इसकी डायरेक्शन में आपको एकांक सदिश निकालना, मींस PQ का यूनिट वेक्टर निकालना। ये यूनिट वेक्टर का चिन्ह होता है, PQ की डायरेक्शन में आपको एकांक सदिश। तो क्या करेंगे, इसके इसके परिमाण से इसको डिवाइड कर देना, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में अंडर रूट परिमाण के आंतरिक मान से डिवाइड कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 ऊपर कॉमन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और नीचे आ जाएगा 3√3। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिखाना है, हमने कहा सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश ऐसा मान, ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो 8। तो इसका मतलब है अगर हम इस वेक्टर को a वेक्टर माने, इस वेक्टर को a वेक्टर माने, तो चूंकि डायरेक्शन हमको इसी की चाहिए इसलिए हम इस डायरेक्शन में मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे जिसका परिमाण 1। ठीक है, मात्रक सदिश का परिमाण 1 होगा। तो पहले हम इस डायरेक्शन में मात्रक सदिश ज्ञात कर लेते हैं। ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब डायरेक्शन यही रखना है और परिमाण कितना करना है 8। तो ऐसा सदिश अगर हम वेक्टर बी माने तो वेक्टर बी इक्वल टू होगा 8 × 8 है, उस दिशा में मात्रक सदिश लिया जिसका परिमाण 1 था, जब उसमें 8 से गुणा कर दोगे तो परिमाण कितना हो जाएगा 8 इकाई, क्योंकि इसका परिमाण 1 है और इसका परिये 8 है, 8 जो 1 का गुणा होगा 8 आ जाएगा और दिशा यही रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ये 8 × 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय, ये आने वाला है 25 × 4 = 29 अंडर रूट 30। तो ये वो वेक्टर हो गया, इस वेक्टर का परिमाण होगा 8 और दिशा होगी जो वेक्टर 1 है।